रेल हादसे से जुड़ी हुई, जिसमें रेल मंत्रालय ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। वहीं जो लोग घायल हैं उन्हें 5-5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। आपको बताते चले, इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति गंभीर है। और ऐसे में अब मुआवजे का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। तो चक्रधरपुर रेल हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। तो झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के बारामबो रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हुआ, जहां हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस डिरेल हो गई, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो बोगियां हैं वो ट्रैक से इधर उधर चली जाती हैं और ठीक उसके बगल से जो मालगाड़ी गुजर रही थी उससे जाकर टकराती हैं। इस हादसे में ट्रेन के 18 डब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गए। 2 यात्रियों की मौत हुई, करीब 20 यात्री घायल हुए, जिनमें 6 की स्थिति गंभीर बताई गई है। हादसा सुबह 3:45 के आसपास होता है। बताया जा रहा है कि ट्रैक पर एक मालगाड़ी डिरेल हो गई थी और 120 की स्पीड में आ रही ट्रेन उससे जाकर टकरा जाती है, जिससे पैसेंजर ट्रेन भी डिरेल हुई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर रेस्क्यू टीम जरूर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। तो ये बड़ा रेल हादसा जिसमें 2 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी, 20 यात्री जख्मी हुए, जिनमें 6 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और हादसा कैसे हुआ वो भी देखिए। ये तमाम वो यात्री ट्रेन की बोगियां हैं जो इधर उधर ट्रैक से जाकर गिरती हैं। और बताया जा रहा है कि पहले मालगाड़ी जिस बगल के ट्रैक से गुजर रही थी वो डिरेल हुई थी और उसकी बोगियों से ही 120 की रफ्तार में जो ट्रेन सुबह 3:45 पर यहां से गुजर रही थी वो टकराती है और यह हादसा होता है। और रेल हादसे पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं, नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। भारतीय रेल इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा न हो। रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बनकर रह गए हैं। तो चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल हादसे पर आरजेडी ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय दोनों पर ही जमकर निशाना साधा। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि रेल की सुरक्षा अब जैसे राम भरोसे हो चुकी हो, यात्री भय के साए में सफर करने को मजबूर नजर आते हैं। रेल हादसा बढ़ता ही जा रहा है। लगातार आए दिन रेल हादसे की खबर ने आम लोगों को बेचैन कर दिया है। रेलवे लाइफ लाइन है देश का और इसे भगवान भरोसे छोड़ा गया है।